दुग्गल साहब भी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। जून तिमाही के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दुग्गल साहब। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कमोडिटी साइकिल को लेकर। जिस तरह से कमोडिटी साइकिल स्टार्ट हुआ था पिछले साल, लगा कि कमोडिटी साइकिल लंबा चलेगा, लेकिन महंगाई की चिंता हावी हुई, उसके बाद कमोडिटी प्राइसेस धीरे धीरे क्रैश होने शुरू हो गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ स्टीम अभी भी बचा हुआ है यहाँ पर कमोडिटी की तेजी को लेकर? मेरा मानना तो ऐसा है कि कमोडिटी प्राइजेस राइज करेंगे, ये बॉटम आउट हो चुके हैं। जहां तक सवाल है जो मेटल्स हम डील करते हैं, चाहे वो कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, लिथियम हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, इन सब मेटल्स की डिमांड डीकार्बोनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। और आने वाले टाइम में जो ग्लोबली आप सिचुएशन देख रहे हैं, जहाँ जिसमें एनर्जी प्राइजेस बहुत राइज करे और बहुत सारे स्मेल्टर्स ने अपनी कैपेसिटी को भी कट करा, इसमें जो डिमांड सप्लाई का इक्वेशन है, मेरा मानना है कि कमोडिटी प्राइजेस बॉटम आउट होने के बाद अभी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में रहेंगे। ओके सर, अगर आपके अगर तिमाही नतीजों की अगर बात करें तो पिछले कुछ तिमाही में अर्निंग्स को क्या सपोर्ट कर रहे थे, और अब अगला सवाल होगा क्या डिमांड ग्रोथ इतनी पर्याप्त होगी जो बॉटम लाइन को यहाँ पे बॉटम लाइन की ग्रोथ को आय की ग्रोथ को यहाँ से सपोर्ट करेगी? मेरा मानना ऐसा ही है, क्योंकि ये जो डिमांड जो मेटल हम डील करते हैं, इनकी डिमांड तो रहने वाली है और रहेगी। और ये भी माना जा रहा है कि जब तक एफर्ट नए रिसोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए नहीं लगाए गए, तो ये मेटल्स कुछ शॉर्टेज में भी जा सकते हैं। इसलिए वर्ल्ड रिसाइकलिंग में, रिसोर्स कंजर्वेशन में भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो इन मेटल्स की डिमांड रहने वाली है, डिमांड रहने के साथ जो हमारे इंटरनल एफर्ट्स हैं, हम अपने बिजनेस को ज़्यादा सस्टेनेबल प्रेडिक्टेबल बनाना चाहते हैं, और हम अपने जितने भी बिजनेस हैं उनके कॉस्ट को हम लोएस्ट डेसाइल में लगाना चाहते ले जाना चाहते हैं, ताकि हमारी आने वाले बिजनेस को हेडविंड्स का असर ना हो। ओके, यानी मेटल की डिमांड बने रहने की संभावना है दुग्गल साहब का। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, वक्त कम है इसलिए कम सवाल ही आपके ले पाए।